तो गाइज एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं कैथल से अम्बाला। तो जिन लोगों को रोड के बारे में नहीं पता तो उन लोगों को बताएंगे। अभी हम कैथल से यहाँ पे बाईपास से निकले हैं। ये बाईपास है हमारा, राइट में बस स्टैंड था, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं जो मेन बाईपास होगा वहाँ पे, मतलब जो आउटर पे होगा ना वो। अभी हम कैथल के अंदर ही बोलेंगे कि हम कैथल के अंदर ही हैं। और यहाँ से गाइज देख रहे हैं आज मौसम ना बारिश का है, रात को बारिश हुई है, तो पानी मिलने वाला है बहुत जगह। और कैसा रोड होगा, वीडियो कैसी बनेगी, तो देखते हैं गाइज। पता नहीं, मौसम तो गाइज बहुत अच्छा है, पता नहीं गाइज, मतलब वीडियो बनाता हूँ ना मोस्टली मौसम वेदर बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए यहाँ से अभी हम चल रहे हैं, रोड ऑलमोस्ट ठीक है यहाँ पे, अभी कोई दिक्कत है नहीं है। अभी हम इस रोड पे ये देखेंगे कि कितना टोल लग रहा है, और टोल है तो कितने टोल है, और रोड पे पूरा बन चुका है या नहीं बन चुका है, वो आप देखेंगे इसमें वीडियो में। तो गाइज ये अभी हम बस कनेक्ट होने वाले हैं मेन बाईपास के रोड से, और हम ये आउटर रोड है, ये बाईपास चला जाता है कैथल से। अभी हम इस पर एंट्री कर लिए, और यहाँ पे रोड देखें कितना प्यारा रोड है। रोड तो 4 लेन बना हुआ है तो बहुत बढ़िया रोड है। तो यहाँ पे ऊपर स्पीडोमीटर भी लगा हुआ है, तो गाड़ी तेज़ मत चलाइए वरना आपका चलान आपके घर पहुँच जाएगा। तो गाइज ये देखिए अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, और पहला गाँव अभी हम देख रहे हैं, तो फ्लाईओवर बन चुका है और रोड अच्छा है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, बारिश दोबारा हो सकती है, पानी आपको दिखाई दे रहा होगा रोड पे, बारिश के कारण थोड़ा सा वीडियो हो सकता है थोड़ी धुंधली बने, लेकिन गाइस प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। और ये देखिए गाइस रोड अच्छा है, रोड में कोई दिक्कत है नहीं है, और गाँव की मतलब बारिश के बाद ना देखो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, खिला खिला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सबको वॉश कर दिया गया है। और उसके बाद जो ब्यूटी निकल के आती है ना, नेचर ब्यूटी, वो अलग ही होती है, तो वो भी बड़ा मज़ा आता है। और सुबह का टाइम है गाइस, 6:30 बजे मैं निकला हूँ, और ये देखें यहाँ पे ट्रक व्रक चलेंगे ना तो सीधा आपके शीशे पे आएगी मिट्टी, तो बारिश में ना ये सबसे बड़ा पंगा है। अब गाड़ी में से ब्लॉग बना रहा हूँ मैं गाइस, तो ये देखिए थोड़ा सा भी ट्रक के थोड़े से भी चलते हैं थोड़े पीछे लगेंगे, छींटे आ जाएंगे, बार 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 साफ़ करना पड़ेगा। और ये देखिए तो यहाँ पे हमारा पहला टोल आ चुका है, जो अप्रोक्स 75 से लेके 110 रुपये के आसपास का होगा वन साइड। और देखते हैं गाइस कितना टाइम लगता है टोल पे, टोल ज़्यादा बिजी है नहीं, ये देखो शीशा देखेंगे ना अब धुंधला हो गया, क्यों, गाड़ी के थोड़े से छींटे पड़ेंगे। और फास्टैग लगा हुआ है, एंट्री देखते हैं कितनी देर में होती है। ये देखिए फास्टैग, मतलब प्रोसेस तो बहुत तेज़ है, ज़्यादा देर हम खड़े नहीं हुए, और हमने फिर शीशा साफ़ किया। अब देखते हैं शीशा भी बहुत साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि आगे पीछे हमारे जो भी अगर कोई गाड़ी आ जाएगी ना तो दिक्कत देगी। अगर गाड़ी किसी भी ट्रक के गाड़ी के हम पास में से या पीछे से आएंगे ना, तो उसके गाड़ी के जो टायर से छींटे आएंगे ना, वो सीधा हमारी गाड़ी के शीशे पे लगेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी रोड सही है, अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं है रोड पे, और मौसम भी अच्छा है, बारिश अभी तक नहीं हुई है, रात को ही हुई थी। और यहाँ से अभी हम चल रहे हैं सीधा, और रोड में अभी तक तो कोई दिक्कत नज़र आ नहीं रही है, तो रोड बिल्कुल साफ़ है, आप जा सकते हैं। रोड स्पीड भी आप चला सकते हैं, कई जगह स्पीडोमीटर लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 60, 70, 80, 100 तक आप चला सकते हैं, 100 तक तो नॉर्मली आप चला ही सकते हो। और ये देखिए गाइस यहाँ पे भी रोड सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, नेचर अच्छा। 54 किलोमीटर यहाँ से अम्बाला आपको मिलेगा, ज़्यादा दूर नहीं है अम्बाला, पास में ही है। अब 54 किलोमीटर का सफ़र है, जो देखते हैं कितनी देर में पूरा होता है। और ये देखिए गाइस यहाँ पे फ्लाईओवर भी बने हुए हैं। अब ये जो रोड है ना, मतलब ऐसे जो रोड होते हैं ना, ये टाइम सेविंग वाले रोड होते हैं, यहाँ पे तो गाड़ी की टायरों की बचत, फ्यूल की, सारी की बचत है। अब नॉर्मल अगर रोड टूटे हुए हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए गाइस अभी भी ठीक है, अब ना सीधा फ्लाईओवर से चढ़ रहे हैं, वरना वाले नीचे से जाते हैं। अभी देखिए ट्रक वगैरह भी चल रहे हैं, और तो कोई दिक्कत है नहीं है। ट्रैफिक भी नहीं मिलता इस रोड पे ना, मतलब ठीक था पहले, नहीं था 4 लेन तो थोड़ी सी दिक्कत आती थी, टाइम ज़्यादा लग जाता था, अब नहीं लगता टाइम, अब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बस हमने ये देखना है कि रोड पूरा बना हुआ है, कहीं पे काम चल रहा है, या फ्लाईओवर कुछ बनने हैं, या खड्डे हैं, या कितने टोल आते हैं। अभी तो एक टोल दिया हमने, और देखते हैं अम्बाला तक कितना टोल आता है, क्योंकि ना इससे रूट का कैलकुलेशन हो जाता है, कि बहुत से लोग ना कैलकुलेट करते हैं कि अम्बाला से अगर हमें जाना है, या हमें कैथल से अम्बाला जाना है, या अम्बाला से कैथल जाना है, तो हम किस रास्ते से जाएं, मतलब हम यहाँ से भी जा सकते हैं या कुरुक्षेत्र होके भी जा सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन कहाँ से निकलता है, पुंडरी होके निकलता है, किस रूट से जाता है, तो इससे हमें रूट का भी कैलकुलेशन हो जाता है कि रोड अगर टूटा हुआ है तो दूसरा रोड पकड़ेंगे। अदरवाइज अभी तक तो रोड कोई दिक्कत आई नहीं है, रोड बिल्कुल साफ़ है। और देखिए बारिश के कारण ना हमारी गाड़ी का शीशा थोड़ा थोड़ा ख़राब हो जाता है, बार बार हमें साफ़ करना पड़ रहा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है गाइस। और ये देखिए रोड बिल्कुल साफ़ है, यहाँ से चंडीगढ़ है 90 किलोमीटर और आपका अम्बाला है 45 किलोमीटर। अभी तक तो रोड सही है, और देखते हैं आगे क्या होता है, दोनों साइड आप देख रहे हो रोड। यहाँ पे देखो गाड़ी ने फिर छोटे छींटे मार दिए, बारिश के कारण ना थोड़ी सी वीडियो ऐसी रहेगी। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा काम चल रहा है रोड पे, शायद इसको और वाइड कर रहे हैं रोड को,
और इसलिए यहाँ पे काम चल रहा है। बारिश के कारण मिट्टी वगैरह आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक पहला गांव ऐसा है जहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि वीडियो आपको ब्लर नजर आएगी। ये देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे आई थिंक फ्लाईओवर बनेगा, तो इसमें तो टाइम लग जाएगा कम से कम 6-8 महीने। तो यहाँ पे आपको स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको जाम भी मिल सकता है, अदरवाइज और तो ठीक है। टूटा हुआ तो नहीं कह सकते रोड, थोड़ा सा साइड में पानी वगैरह इकट्ठा हो गया, अदरवाइज ठीक है। देखिए हमारे आगे गाड़ी चलेगी तो वो शीशे पे हमारे निशान आएंगे आएंगे। यहाँ पे फिर आपको दिख रहा है कि रोड पे अभी काफ़ी दूर से काम चल रहा है, वाइड कर रहे हैं रोड को। अभी देखिए अब जा रहे हैं ना सिंगल साइड से जा रहे हैं, अभी वाइड कर रहे हैं रोड को, और यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो शीशे को साफ करना पड़ेगा। ये देखिए और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, बारिश के कारण बूंदे आपको दिखाई दे रही होंगी। तो गाइस ठीक है, रोड ऑलमोस्ट अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं, रोड में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखते हैं टोल कितने आएंगे, और यहाँ से 38 किलोमीटर हमारा अंबाला रह गया है। और ये देखिए गाइस बारिश आ गई है तो छींटे पड़ गए हैं, तो थोड़े दिक्कत आ रही है, बार बार हमें वाइपर चलाना पड़ रहा है, और वाइपर भी चलाने के बाद भी गाड़ी का शीशा पूरी तरह से साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश है, सामने अगर गाड़ी है तो जो रोड पर पानी मिट्टी इकट्ठी होती है ना वो शीशे पर आ जाती है, तो थोड़ी दिक्कत आती है, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ी सी आगे चलेंगे तो आप यहाँ पे काम चल रहा है, और ये देखिए यहाँ पे तो रोड यहाँ पे टूटा हुआ है, कैसा ही अभी पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लग रहा है रोड टूटा हुआ है, ये देखिए हमारे आगे छोटा सा एक आइसर चल रहा है, आइसर के छींटे हमारी गाड़ी पे पड़ रहे हैं, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा हमने। यहाँ पे रोड ख़राब है, गाड़ी को हमने थोड़ा सा भगाया, देखिए गाड़ी पे वाइपर मारना पड़ेगा क्योंकि बारिश का टाइम है, शीशा प्रॉपर सही हुआ नहीं है, अब थोड़ा सा साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा था, अदरवाइज़ ठीक है। और रोड जो ये जिस पे मैं चल रहा हूँ अभी, ये वो वाला रोड है जो कर देते हैं ना खुरस देते हैं, देखिए अब देख रहे हैं ना सामने, तो गाड़ी यहाँ पे भी आप तेज नहीं चला सकते क्योंकि टायरों पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे भी काम चल ही रहा है अभी, ये लगभग आधा किलोमीटर से ऊपर हो गया 1 किलोमीटर हमें, और अभी देखते हैं ये कितना चल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं अभी भी, हाँ यहाँ पे तो 2 किलोमीटर के आसपास का पैच है, 1.5 से 2 किलोमीटर जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी ऑलमोस्ट, और तो रोड सारा साफ है, तो वहाँ पे बस तेज़ नहीं चला सकते, गाड़ी तो चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, खड्डे नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। टोल आने वाला है एक और फिर यहाँ पे गाड़ी के छींटे, तो अभी हमें फिर साफ़ करना पड़ेगा। एक टोल गाइस हमने दे दिया है, अब ये दूसरा टोल आएगा, तो अप्रोक्स ये लगा लो 75 रुपीज़ के आसपास लग चुके हैं हमारे, और अभी यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना लगेगा। तो टोल आ चुका है, भीड़ है या नहीं है, क्योंकि नॉर्मली टोल पर भीड़ मिलती है, तो अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा। सारे अगर डोर टोल के खुले हो ना तो भीड़ नहीं लगती, अगर 4 हैं 2 खोले हैं तो ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं ना 1 2 3 3 खुले हुए हैं, तो अभी देखते हैं टोल पे में ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अभी हमारे आगे है 2-3 गाड़ियाँ, और ये टोल भी हमने क्रॉस कर लिया है, और अभी हम चल रहे हैं आगे। 2 टोल हमने दे दिए हैं गाइस, आगे देखते हैं कि 2 ही आएंगे ज़्यादा आएंगे। अंबाला तक की बात कर रहा हूँ मैं, चंडीगढ़ की नहीं बात कर रहा मैं, अभी तो हम अंबाला जा रहे हैं। और ये देखिए गाड़ी आगे चल रही है, फिर पानी मारना पड़ रहा है, बारिश के मौसम में ना ये बड़ी दिक्कतें हैं। तो जब भी आप बारिश में सफ़र कर रहे हैं ना, तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी में वाइपर में पानी पूरा हो। यहाँ पे भी रोड थोड़ा सा ख़राब है, और ये देखिए टूटा हुआ सा थोड़ा रोड है, और सिंगल ही है यहाँ पे। ओहो ये भैया बस वाले थोड़ा सा ये रोंग साइड से आ रहे हैं, और यहाँ से अंबाला सिटी के लिए ना 15 किलोमीटर का रास्ता रह गया, और यहाँ से गाइस हमने लेना है राइट, यहाँ से आप स्ट्रेट भी जा सकते हो स्ट्रेट के लिए, लेकिन हमने यहाँ से राइट लेना है। और ये देखिए अब हम यहाँ से राइट लेके सीधा चल रहे हैं, तो यहाँ पे रोड अभी ठीक ही है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी का शीशा ख़राब हो गया, अदरवाइज़ तो आपको दिख ही रहा होगा, तो मैंने इसलिए नहीं वीडियो को रोका कि आपको पता चले कि रोड कैसा है। तो अदरवाइज़ ठीक है गाइस, गाड़ी का शीशा साफ़ करते हैं और चलते हैं आगे। तो 2-3 जगह है जहाँ पर काम चल रहा है, और 2 टोल हमने दे दिए हैं, अभी देखते हैं, आई थिंक और टोल तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर, और अभी हम चल रहे हैं सीधा। अगर आप मैप लगा के जाओगे ना गाइस, तो मैं बता रहा हूँ रोड मैप के सहारे मत चलो, आप सीधा सीधा चलते रहो, क्योंकि मैप में टेढ़ा मेढ़ा दिखाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने मैप लगाया था तो मैप में दिखा रहा था कि यहाँ से नहीं यहाँ से टर्न करो, यहाँ से नीचे से दिखा रहा था, यहाँ से राइट साइड से बंद है, यहाँ से दिखा रहा है कि यहाँ से घुस जाओ, तो मैप मत लगाओ। तो यहाँ से अंबाला ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, अभी हम यहाँ से चंडीगढ़ 36 किलोमीटर है, अभी हम यहाँ से सीधा चले, और आगे से ना एक कट आएगा, वहाँ से हमने राइट लेना है। अगर हम सीधे चलेंगे तो हम चंडीगढ़ जाना है, अंबाला के लिए हमें आगे से राइट लेना है। ये देखिए यहाँ से हमने राइट लिया, और यहाँ से हम चलते हैं अंबाला की तरफ। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना रोड ज़्यादा वाइड नहीं है, ये ऐसा ही मिलेगा अंबाला सिटी तक, आपको सिटी तक ऐसा ही पहुँचाएगा ये रोड।
तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी इस रोड पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी आपको मिलेगा, रोड भी वाइड नहीं है, टूटा फूटा भी मेरे को लग रहा है आई थिंक। तो यहाँ से गाइस चलते हैं, मौसम आपको पता ही है कि मौसम थोड़ा सा ख़राब है, बार बार हमने अपनी गाड़ी का शीशा साफ करना पड़ रहा है क्योंकि सामने वाली गाड़ियों के सीटें लग रहे हैं, तो वीडियो में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए। अभी हम आगे चले हैं, मौसम बिल्कुल, और सुबह के गाइस 7:30 बजे हुए हैं और यहाँ पे आप देखिए, मेरे को अप्रोक्स ये लगा के चलो कि 1.25 घंटा तो लग गया है, और आगे देखते हैं कि कैसा है, क्या नहीं, टूटा हुआ है कि नहीं। यहाँ पे तो इतनी दिक्कत है नहीं है, 2 टोल हमने दे दिए और अम्बाला ऑलमोस्ट आने वाला है, तो टोल तो 2 ही लगेंगे आपके, 3 नहीं लगने वाले हैं टोल। तो ये देखिए गाइस, यहाँ से अभी हमें सीधा चलते रहना है, और ये समझ में भी नहीं आ रहा है हम अम्बाला जा रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट हमारी एंट्री हो गई है। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट फिर से है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे रूट्स के बारे में। कुछ नया भी करने वाले हैं अभी हम, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये गाइस अभी हम चल रहे हैं, देखिए सीधा यहाँ से सीधा हम चलते रहेंगे, क्योंकि हमने तो बीच में से ही कट मार लेना है। और देखिए शीशा ख़राब हो गया है क्योंकि छींटे पड़ गए हैं, अब हमने साफ़ करा है गाड़ी को, ये देखिए थोड़ा सा साफ़ करो, फिर उसके बाद दिक्कत आ जाए, फिर दोबारा साफ़ करना पड़ रहा है। तो गाइस अम्बाला सिटी में आपका स्वागत है, सीधा सीधा चलते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक।